हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार के पुरानी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके लिए, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता? तो दोस्तों, हृदय कभी भी विश्राम नहीं लेता। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हिपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन से संबंधित है, हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो दोस्तों, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड, जहां ऑप्शन बी दे रखा है, C.N. बर्नार्ड के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल डी वेकी, माइकल डी वेकी, माइकल दिवेकी के द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो दोस्तों, ईसीजी हमेशा हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ठीक है, और मस्तिष्क की जो जांच होती है उसे जे EEG कहा जाता है, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राम, तथा मांसपेशियों की जांच के लिए EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और हृदय के लिए ECG। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला है, हृदय का काम है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच पंप करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय का एक ही काम है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजना, पंप करने का कार्य है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों के द्वारा होता है तथा छनन किडनी के द्वारा होता है, और यूरिया का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, ऑर्निथिन ऑर्जिनिन चक्र के माध्यम से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, लब डब, यहाँ लिखा है लव डब, ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों, तो आप सभी को पता है लव डब की जो ध्वनि होती है वह हृदय के कारण उत्पन्न होती है। हृदय में त्रिवलनी कपाट, जिसे ट्राइकस्पेट वाल्व, और द्विवलनी कपाट, जिसे द्विवलनी कपाट कहा जाता है, इन दोनों के बंद होने से लब की आवाज़ आती है, जबकि अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे सेमिलुनर वाल्व कहा जाता है, उनके बंद होने से डब की आवाज़ आती है, लब डब, लब डब। ओके दोस्तों, इसलिए आपका सेवन का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, और इतने में 70 ml ब्लड हृदय के द्वारा पंप कर दिया जाता है, और उसी हिसाब से 1 मिनट में 5 से लेके 6 लीटर तक हृदय के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों, यहाँ पर 300 ग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष की बात करें तो पुरुष का 300 ग्राम का होता है, और महिला की बात करें तो 280 ग्राम का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आप सभी को पता है मानव हृदय में 4 होती है। मानव के अतिरिक्त पक्षियों में भी 4 होते हैं। उभयचर की बात करें या सरीसृप की बात करें तो उनमें 3 हृदय पाए जाते हैं। एक अपवाद है मगरमच्छ, जिसमें 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। और
इसके अतिरिक्त और बात करें मत्स्य में, मछलियों में दो हृदय पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके एक और प्रश्न आता है, एक से अधिक हृदय वाले जंतु के नाम बताइए। तो एक तो आता है ऑक्टोपस, जिसे बेताल मछली कहा जाता है, और दूसरा होता है केचुआ, इनमें एक से अधिक हृदय पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न आता है, कॉकरोच के हृदय में कितने चेंबर या कक्ष होते हैं। तो दोस्तों कॉकरोच के हृदय में 13 चेंबर या कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में टोटल 4 वाल्व होते हैं, जैसे एक द्विवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट, सेमिलुनर वाल्व दो होते हैं, एक होता है डाइकस्पिड और एक होता है ट्राइकस्पिड। इस तरह से मनुष्य के हृदय में टोटल 4 वाल्व होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो दोस्तों प्रति मिनट 70 से 80 बार, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हृदय की धड़कन कितनी होती है एक मिनट में, 72 बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम। और दोस्तों बुढ़ापे में कितना हो जाता है, 60 बार। भ्रूणावस्था में कितनी हृदय की धड़कन होती है, 150 बार, 150 बार। और बच्चावस्था में, जब आप बच्चे रहते हैं तब होता है 120 बार। और सबसे ज़्यादा हृदय की धड़कन जो होती है वो छुछुंदर में होती है। और स्तनधारियों में बात करें तो सबसे कम की बात करें तो ब्लू व्हेल नीली मछली में, और स्थलीय स्तनधारी की बात करें तो हाथी में सर्वाधिक होती है दोस्तों, यानी 25 बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं। लगभग 1 लाख बार दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, 120 से 80। दोस्तों कभी 80 से 120 आ जाए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वहाँ वो हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होता, हमेशा 120 से 80 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु यदि WHO के अनुसार पूछा जाए दोस्तों, तो WHO के अनुसार जो हृदय धड़कन है, सॉरी रक्तचाप है, वो हो गया है 130 से 90। यह है WHO के अनुसार करेंट डेटा है। परंतु अभी फ़िलहाल तो हमें सामान्य मनुष्य के रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT 120 से 80 बिल्कुल सही हो जाएगा। किनकी भित्तियों पर रक्तदाब, रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, धमनिया, धमनियों के ऊपर रक्त के द्वारा दबाव डाला जाता है। रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है, दोस्तों निलय, निलय से ही रक्त फेफड़ों तक तथा संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शरीर तक पंप होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रक्त का चाप या दाब होता है वो कहाँ होता है, निलय में दोस्तों। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है अधिवृक्क ग्रंथि, और अधिवृक्क ग्रंथि संख्या में होती है 2, और यह होती है किडनी के ऊपर। यह हमारे शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण करती है। इसके अतिरिक्त अधिवृक्क ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन्स, लड़ो उड़ो हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन्स के ही अन्य नाम है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। दोस्तों पुनः रिपीट हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। हृदय की धड़कन दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा बढ़ती है। हृदय की धड़कन हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, श्वसन दर हो गया, RBC की संख्या हो गई, इस तरह से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाता है और परिधि तंत्रिका तंत्र कम करता है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इस वजह से अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं अच्छे से तो प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, यदि कोई सुधार चाहिए, तो उसका भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो दोस्तों
महाशिराओं के माध्यम से, महाशिराओं के माध्यम से शरीर में, शरीर के निचले भागों से और शरीर के ऊपरी भागों से रक्त, अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है, और दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेता ले जाती है? दोस्तों, फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। इसका एक और अन्य नाम है, पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेके आती है या जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फेफड़ों से हृदय को ले जाने वाली, दोस्तों वो हो जाएगी फुफ्फुस धमनी। यह एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और यह दाएं निलय से फेफड़े में रक्त को लेके जाती है, जहाँ पर गैसों के विनिमय के माध्यम से CO2 बाहर की जाती है और O2 ब्लड में मिल जाती है। और जहाँ पर CO2 और O2 गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है, उस स्थान को एल्वेलाई या वायुकोपिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो दोस्तों, नसें लाती है, जिसे हम शिराएं कहते हैं, और नसें या शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मानव हृदय का दाहिना भाग, में अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे हम दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? दोस्तों, पेसमेकर हृदय से संबंधित है और पेसमेकर का उपयोग हृदय की धड़कन की शुरुआत करने के लिए होता है, जिसे हम SA नोड के नाम से या शिरा आलिंद नोड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। बढ़ते हैं, और यह कहाँ स्थित होता है? दोस्तों, यह दाएं आलिंद में स्थित होता है। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? दोस्तों, SA नोड को, जिसे शिरा आलिंद नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है, जो कि दाहिने आलिंद में होता है, जो हृदय की धड़कन की शुरुआत करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? दोस्तों, सामान्यतः हृदय में लब और डब की आवाज़ आती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियाँ में, जब वाल्व प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में हमें ये दिक्कत आती है, मरमर की साउंड आती है। तो ये है चेवन वाल्व, वाल्व की दिक्कत की वजह से। दिल की फुसफुसाहट, मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कपाट अच्छे से बंद या खुल नहीं रहे, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मानव हृदय बंद होता है? दोस्तों, हृदय हृदय आवरण में बंद होता है, जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। हृदय वंचित है, हृदय में ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है दोस्तों, ऐच्छिक पेशियां केवल ऐच्छिक अंगों में ही पाई जाती है। जो अंग हमारी इच्छा अनुसार गति करते हैं, उन्हें ऐच्छिक अंग कहते हैं, जैसे हाथ पैर। हृदय में हृदयक पेशी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है, तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है? दोस्तों, रक्त जाता है महाधमनी, जिसे एओर्टा भी कहा जाता है, और एओर्टा के माध्यम से या महाधमनी के माध्यम से शरीर के संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह कर दिया जाता है, और महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है प्रॉपर व्यायाम। कहाँ लिखा है दोस्तों? बैठे रहने वाला काम करना, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। दोस्तों, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद के लिए किया जाता है? दोस्तों, एस्पिरिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसके लिए किया जाता है? तो एस्पिरिन, किया जाता है। एस्पिरिन एक प्रकार की टेबलेट होती है, जिसका उपयोग किया जाता है रूमेटिक हृदय रोग के इलाज में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिल का दौरा किस कारण से होता है? जब हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा, हृदय गति का रुक जाना और हृदय पर जीवाणु का हमला। दोस्तों, हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। जब हृदय में एक नली होती है या धमनी होती है, जिसे बोला जाता है कोरोनरी धमनी,
जब उसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता तो उस परिस्थिति में हार्ट अटैक की समस्या होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, जिसके माध्यम से संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? किसका हृदय शिरायुक्त होता है? दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका मत्स्य। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य दोस्तों, सॉरी, हाँ, मत्स्य। मत्स्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दोस्तों केवल आज इतने प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक एक था हृदय, और हृदय से बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, 38 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उपयोगी होंगे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगाया ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे और मैं इससे मोटिवेट होता हूँ और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों, इसके बाद मैं कल फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।